सभी भाइयों को राम राम और गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया, मजे में, एकदम बढ़िया। अपन भी एकदम बढ़िया, मस्त बिंदास है। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बजने को है और बस घर से निकले हैं अभी, खा पी के, नहा धो के, मंदिर वंदिर जाके बढ़िया आराम से थोड़ी देर सो के, और अभी निकले हैं अपनी बाइक लेके। आज कार से नहीं, आज बाइक से ऐसे ही, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे चलाए हुए और अपन ने लगा लिया इंस्टा 360। अब देखते हैं इसकी क्या वीडियो आती है क्या नहीं। पड़ा तो बहुत पहले से था पर यूज़ अब कर रहे हैं इसको। तो बस अभी का सीन ऐसा ही है कि पहले जाऊंगा अपने प्लॉट पे, फिर जाऊंगा अपने वरुण भैया के। बस आज का दिन इतना ही है, वहाँ बैठेंगे आराम से, खाएंगे पिएंगे और फिर वापस अपने घर। और आप लोग बताओ कैसा क्या चल रहा है दिन। न्यू ईयर आने वाला है, 2023 ख़त्म होने वाला है। ऐसा लगता है कि अभी कल परसों ही आया था 2023 और वो ख़त्म होने वाला है। 2024 में फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ दिमाग लगानी है कहाँ नहीं, क्योंकि जैसे 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 साल ख़त्म होता जाता है ना, वैसे वैसे दिमाग, मतलब आदमी ये सोचता है कि 2023 में नहीं किया अपन 2024 में करेंगे। करना वरना कुछ है नहीं, 2024 भी चला जाएगा, 2025 भी आ जाएगा, तब भी अपन ये सोचते रहेंगे कि अपन 2026 में करेंगे। तो मेरे राजा, जो करना है वो करो, जो होगा वो देखा जाएगा बाद में। फिलहाल 2023 भी ख़त्म नहीं हुआ, आज से शुरुआत कर लो, कल से शुरुआत कर लो, पर करो तो सही, क्या पता 2024 आते आते अच्छा हो जाए। नहीं तो वही है, 2023-24 कुछ भी नहीं होता, जिसको जो करना है वो कर लो, नहीं आराम से बैठे रहो। वैसे ज़िंदगी तो निकल ही रही है यार, क्या दिक्कत है। तो वही सीन है अभी का, बस बैठे हैं बाइक पे और जा रहे हैं हेलमेट पॉइंट। वहाँ देखते हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं है अपने भैया के पास, और बस इतना ही है। बाकी क्या प्लान है आप लोगों का 2024 का, 2023 ख़त्म होने का, नए साल का? कौन कौन क्या क्या छोड़ रहा है, मतलब दारू वारू, जो भी गंदा वंदा काम करते हो वो सब? देखो मैंने तो 2023 में छोड़ दिया सब, जो जो मैं करता ना वो सब छोड़ दिया मैंने कर करा के। अब कुछ नहीं करना, ओनली बस अब वक्त ही करनी है, राम का नाम लेना है, ख़त्म। 2024 में छोड़ो, 2023 में छोड़ो तो 2023 में छोड़ दो, नहीं 2024 में छोड़ दो, 2024 में छोड़ दो। छोड़ना तो है यार, एक 100 कितने दिन का ही होता है, गंदे वाले 100 करना तो अच्छे वाले करो। मैंने 2023-22 में कर करा के सब कुछ छोड़ दिया, अब कुछ नहीं है लेना देना, बुराई का अंत बुरा ही है। तो वही है, बढ़िया राम जी का नाम लो और बढ़िया घूमो फिरो, बढ़िया कमाओ, बढ़िया पैसे बनाओ, बस और कुछ नहीं है इस दुनिया में, जो है वो पैसा है। और ना कोई भी नहीं पूछेगा कि कौन है लक्ष्मण यादव, कौन है फलाना शर्मा, कौन है फलाना जाट या फलाना फलाना कोई भी। आपके पास पैसा होगा तो आपको पूछेंगे, पैसा नहीं होगा तो घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जियो या मरो, समझे। हेलो जी, शाम होने को आई, सूरज भगवान भी जा रहे हैं अपने घर और अपन भी जा रहे हैं अपने घर। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, टाइम हो रहा है अभी 5:02 बजे से आ गए थे अपने हेलमेट पॉइंट और बैठे थे, बस बैठे बैठे एक दो काम थे वो कर लिए, जो बात करनी थी वो कर ली भैया से, कुछ खा पी लिया और घर अपने भैया। यही रूटीन है देखो अपना, एकदम फ्री आदमी है अपन, जो काम होता है वो कर लेते हैं, नहीं तो एकदम फ्री रहना चाहिए कि भाई साहब सर्विस कराओ और कंपनी वालों को पैसा दो। ये BMW ने बढ़िया स्कीम ला रखी है, मतलब नहीं कराने की इच्छा भी हो ना तो ये बार बार आता रहेगा जब तक आप इसको अपडेट नहीं कराओगे सर्विस सेंटर में जाके। तो भाई साहब इसकी सर्विस करवाएंगे 1-2 दिन में, जब भी फ्री होंगे तब करवाएंगे और जब तक चल रही है चलाएंगे। ये है तो इसकी
1000 किलोमीटर वाली सर्विस करा के फिर बताएंगे क्या आता है इसका बिल क्या नहीं। मौसम हो गया एकदम बढ़िया खराब चिक, बढ़िया मौसम हो रहा है ठंडा। नवंबर दिसंबर दिवाली बाद तो बढ़िया ठंड हो जाएगी, मतलब बढ़िया तो क्या मतलब 50% ठंड और 50% गर्मी हो जाएगी दिवाली बाद तो। देख रहे हो लाइटिंग, मस्त माहौल हो रहा है भाई साहब, एक नंबर माहौल हो रहा है जयपुर में दिवाली का। वो सामने मंदिर है, बहुत गजब सजा रखा है, मतलब जयपुर को तो एक नंबर बना रखा है। काश हर रोज दिवाली हो हर आई का आदमी की, मजा आ जाए। पर वही बात है, रोज रोज एक चीज होगी तो उस चीज की कदर नहीं होगी और कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो काम जिस टाइम पे होना चाहिए ना उसी टाइम पे सही होता है। तो ये अब देखो लाइटिंग, आप मस्त कर रखा है जयपुर को भाई साहब, गजब सजा रखा है। कभी सिटी साइड जाना होगा ना एक दो दिन में भाई लोगों के साथ, पता अपने ग्रुप के साथ, तब बनाऊंगा मैं वीडियो, तब लाइटिंग देखना आप। फिलहाल ये भी एक नंबर लग रही है। और अभी बस टाइम हो रहा है 6:30, बढ़िया कैफे शेफे में बैठे थे और बढ़िया बातें बातें हो गई। अभी राजस्थान में राजनीति के अलावा कुछ भी बातें नहीं चल रही, हर दूसरा बंदा राजनीति की बातें कर रहा है और किसी का कोई भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पर भाई साहब राजनीति तो पूरी करेंगे, जैसे कि ये सब कुछ जानते हो। तो अभी तो आप राजस्थान में कहीं भी बैठ जाओ, किसी भी इलाके में जहाँ पे 3-4 आदमी बैठे हैं ना, वो बस राजनीति की बातें करेगा कि ये फलाना डिगड़ा, ये जीतेगा वो हारेगा, अपने बस की है नहीं। अपन तो बस एक ही पार्टी को जानते हैं, वो है बीजेपी और अपने मोदी जी, और बाकी राजनीति अपन को पता है नहीं कौन जीते कौन हारे, क्या लेना देना अपन को। मैंने आज तक वोट नहीं डाला, डाला है तो नाटो में डाला है, वो नहीं डाला। पर इस बार दिल से और मन से अपने मोदी जी को वोट देंगे, बाकी फिर ऊपर वाले की मर्जी कौन आता है कौन नहीं आता। तो वही सीन है। घर आने वाला है अपना, तो आज अपनी शकल वकल तो दिखाई नहीं, बाइक पे चालू किया और बाइक पे ख़त्म कर रहे हैं अपना वीडियो। तो हाँ जी, ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो बना है, तो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं कल परसों एक प्यारे से वीडियो में, और तब तक के लिए सभी मेरे भाइयों को राम राम और गुड नाइट। मिलते हैं, चलो अभी टाइम हो रहा है 7, वैसे सोने का टाइम तो नहीं हुआ, बस जाएंगे कोई मूवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे। तो बस यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं एक छोटे से प्यारे से वीडियो में कभी फिर। कहो इधर इधर।